What's going on, guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to the video. तो guys, आज हम लोग खेल रहे हैं एक नया गेम जिसका नाम है ब्रेन आउट. और दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे अपना बिग ब्रेन इस्तेमाल करने वाले हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए. तो सबसे पहला है गाइज फाइंड द बिगेस्ट वन. तो इसमें तो वाटरमेलन होगा ऑब्वियसली, मतलब सबसे बड़ा तो खरबूज ही होता है भाई. अब है हाउ मेनी डक्स आर प्रेजेंट. तो गाइज आपको क्या लगता है इसमें से कितने सारे बत्तख है भाई? फोटो भाई मैंने काउंट किया भाई, मेरे को लगता है 10 बत्तख है ब्रो. आपको भाई बोलना चाहिए. अरे 10 तो दोस्त तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हो सकता है ये गेम थोड़ा यू नो माइंड गेम्स खेल रहा है हमारे साथ. तो काउंटिंग पे तो 10 आ रहा है गाइज. तो काम करते हैं, 10 टैप करते हैं. अरे नहीं, 10 गलत आंसर है. ओ हाँ, देखो गाइज, एक जो है वो बत्तख नहीं है यार, एक तो बीच में देखो वो भाई साहब शक्ल धारी करके बैठा हुआ है, कोई और ही है वो भाई. रुको रुको बहरूपिए. अब गाइज टोटल यहाँ पर जब मैंने काउंटिंग की तो 9 बत्तख है. तो काम करते हैं कंप्यूटर जी, 9 पे ताला लॉक किया जाए. एंड गाइज बिल्कुल ही सही जवाब. और अब इसमें देखना हु इज द टॉलेस्ट वन. तो यहाँ पे तो जिराफ लग रहा है मेरे को. फोटो भाई वो देखो सर ने ऊपर पे, उसको क्लिक करो भाई. अरे हाँ ये देखो सूरज छुप के बैठा हुआ है उधर. व्हाट, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. ओके, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंट वन? तो गाइस इसमें से जो सबसे डिफरेंट वाला है उसको हमें ढूंढना है. इसमें से सारे के सारे तो सेम ही लग रहे हैं यार. आपको आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है गाइस? फोटो भाई मेरे को लगता है इन खरबूजों के पीछे कुछ होगा भाई. अबे पीछे कैसे हो सकता है यार, इनको क्या हटा हटा के देखूं क्या मैं? फोटो भाई आपने सारे तो दबा दिया भाई, इनको हटा के देखो अब. ओके गाइस लगता है हम लोग ऐसे नूब बन जाएंगे. तो काम करते हैं अपन लोग ना इसको रीसेट करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई. ओके तो ये, अरे सही में हट रहा है. व्हाट, अरे भाई ये देखो देखो किसी ने खा के ये जूठा छोड़ दिया है, पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था. बेशरम आदमी, चौप का ही काम होगा. फोटो भाई मेरे बबले मत लगाओ भाई. अरे अरे वो हटाओ. ये देखो विच क्लॉ इज सिमिलर टू कैट्स आउटस्ट्रेच्ड क्लॉ. तो मतलब कि हम लोगों को ना यहाँ पर सेम टू सेम पंजा चूज करना है. फोटो भाई आपको क्या लग रहा है दोनों पिक्चर में से कौन सा वाला सही होगा? अरे तीनों नहीं भाई, चारों पिक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं. वैसे सच बताओ तो मेरे को नीचे वाला लग रहा है, लेकिन ये गलत है, दूसरा भी गलत है. ओ मेरे को समझ में आ गया गाइज, राइट हैंड हो सकता है ना, क्योंकि भाई अगर एक बिल्ली है तो ऑब्वियसली उसका हाथ राइट वाला लेफ्टी से मैच करेगा ना. ये देखो बिल्कुल सही हुआ हमारा आंसर. ओके तो फाइंड आउट द लार्जेस्ट फायर. ओके तो गाइज अभी आई गेस ये 4 फायर दिए है मेरे को, और इनमें से हमें पता लगाना है सबसे बड़ा वाला कौन है. तो इनके पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इन चारों फायर को मिला दूं तो एक बड़ी फायर बन सकती है. आओ चलो बनाते हैं. ओ भाई देखो तो कुछ सारे मिल गए. अरे ये हुई ना बात भाई, इसको कहते हैं प्रोनेस. देख रहे हो गाइस, लाइक मारो फटाफट से. व्हाट्स द नंबर अंडर द पार्क्ड कार, मतलब नंबर ढूंढना है हमें गाड़ी के नीचे का. तो हटा देते हैं सिंपल. ये देखो 9 है. ये तो बच्चे करते भाई, अब समझ में आ गया अपने को. अपन लोग भाई 1000 IQ इस्तेमाल करेंगे. अब ये क्या है, वेक अप द आउल. अरे भाई भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज, आउल सब तभी जागते हैं जब सूरज मामा चले जाते हैं, यू नो. तो हमें भी वही करना होगा. अरे ये क्या हो गया भाई, बाहर कैसे आ गया मैं? इसको कहां फेंकूं मैं सूरज को ले जा करके? भाई आप स्क्रीन से बाहर चले जाओ. हेलो, अरे जाओगे? अरे कैसे ले जाओ इसको मैं? ओके भाई इसको कहीं पे फेंकना पड़ेगा भाई लगता है. ऑलराइट गाइस तो काम करते हैं, इसको इस साइड डालते हैं. और ये देखो फाइनली इतना खोजने के बाद हम लोग पास कर ही गए. ऑलराइट व्हाट मार्क्स वुड यू गिव फॉर दिस गेम? अरे भाई भाई देख रहे हो ये ट्रिक करना चाहते हैं, फुल मार्क ले लो भाई तुम. ऑलराइट सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड समथिंग यू कैन नॉट ईट. तो भाई इसमें से तो मेरे को लगता है हटा के देखना पड़ेगा. देखो भाई ये चिड़िया का घोंसला कौन खाता है भाई? चिड़िया का घोंसला खिलाओगे तुम मेरे को? ओके तो अब है यहाँ पर विच वन इज नॉट ए रियल आइसक्रीम. अच्छा ऐसा है क्या? तो भाई इसमें से तो सारे के सारे आइसक्रीम ही दिखाई दे रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बे. इस सूरज का क्या काम है? फोटो भाई आप सूरज को क्यों टच कर रहे हो भाई? अबे क्योंकि वो आइसक्रीम नहीं है इसीलिए टच कर रहा हूँ भाई. फोटो भाई लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको हिंट ले लेना चाहिए ब्रो. अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, हिंट ले लेते हैं. मूव द सन बिटवीन द आइसक्रीम. एक सेकंड, क्या लिखा था? टू इंक्रीज टेम्परेचर. अरे भाई क्या 100 IQ इस्तेमाल किया है भाई इन लोगों ने. अरे ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं गाइस कि हम लोगों को सूरज को बीच में रख देंगे तो आइसक्रीम पिघल जाएगा. ऑलराइट दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ हेयर. तो मेरे को लगता है ना इतना हेयर काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ये पक्का विग उग पहन के चल रहा है. ये देखो भाई क्या छोटू उस्ताद है, 3-3 बाल रखे हो भाई तुम पीछे, बहुत बढ़िया. गाइस 3 डालते यहां पे, ओके दबाते हैं और लेट्स गो. बिल्कुल सही आंसर, देखा एकदम बुरा नहीं था ये. फोटो भाई आप तो तेज निकले भाई, इस बार बत्तख को पानी पिलाना पड़ेगा आपको. अरे मैंने वो कहानी सुनी है जिसमें पत्थर को ना गाइस बोतल के अंदर डालते हैं लेकिन उस वो नहीं काम करेगा पानी ऊपर लाने में, भी बत्तख को ही पानी के पास ले जाते. अरे क्या आंसर दिया है दोस्तों, एक और शानदार विक्ट्री. ऑलराइट गाइस तो अब हमें इस बटन को टैप नहीं करना है, लेकिन सच बोलूं तो मेरे को बहुत मन कर रहा है भाई इसको दबा देने का. दबाओ भाई. अरे नहीं हम लोग राउंड फेल कर गए. फोटो भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, अगर आप बार-बार दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके से. रुको भाई 2 मिनट रुक जाओ. ओके 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 देखते हैं क्या होता है. और पास कर गए. वाह भाई जब भी मैं एक बटन देखता हूं ना गाइस दबाने का मन कर जाता है. ओ ये क्या है?
हेल्प मॉम। ओके, लगता है ये कोई नया वाला अपना का मिशन स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स गो, विच इज मॉम्स बेस्ट डिश? तो ऑब्वियसली ये कचरा तो भाई किसी की भी मम्मी नहीं बनाती है भाई, ये देखो टेस्टी खाना। तुम घटिया खाना के बीच में अच्छा खाना छुपाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें मदद करनी है यहाँ पर शीशे साफ करने में। तो बहुत ही सिंपल है, हाथ का इस्तेमाल करो और रगड़ के सारी गंदगी को बाहर निकाल दो। देखा, अरे इतना इजी पीजी क्वेश्चन भाई, ऐसे तो मैं चौथी में पास कर जाऊं यार, ये तो कुछ भी नहीं था। हेल्प मॉम फाइंड हर फोन। वेल, बहुत सिंपल है, इस फोन को उठाओ, अपने फोन को कॉल लगाओ, पता चल जाएगा। ऐ देखो भाई, उसके अंदर रखा है। येलो मैडम जी, अपना फोन ले लो, आप वापस ले लो, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक और लेवल पास। मॉम्स पर्स वॉज रॉब्ड। अबे चोर कहीं के, तू सुधरेगा नहीं क्या भाई साहब? देख रहे हो गाइस कैसे भाग रही है? अबे कुछ भी कर लूं नहीं हो रहा है यार, मैं तेज भी भगा रहा हूं नहीं हो रहा है। छोटू भाई बेबी, आपको मम्मी को आगे रख देना चाहिए भाई। हाँ ये जरूर कर सकते हैं गाइस, इसको ना मैडम जी को आगे करते हैं। चोर के बच्चे। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम लोगों को यहाँ पर सुई के अंदर धागा डालना है। सच बताओ तो इसको पकड़ के रखेंगे ना तो सुई स्लो हो जा रही है, लेकिन मैं धागा कैसे डालूं? अबे दूसरी उंगली से धागा अंदर नहीं जा रहा है। छोटू भाई आपको प्ले बटन दबाना पड़ेगा भाई लगता है। प्ले बटन है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। ओके तो इसको पकड़ के रखो और अब रुको, ये दबाया और चला गया अंदर। ओके तो गाइस देख रहे हो। ऑल राइट तो गाइस, हमारे पास अगला मिशन आ चुका है, हेल्प मॉम अचीव द पोजीशन ऑन टीवी। तो यहाँ पर योगा किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसी को आगे कर देते हैं भाई। अपन लोग को मॉम को एडजस्ट करने का जरूरत ही नहीं है गाइस, जब हम लोग टीवी वाले बंदे को ही आगे कर सकते हैं। ओके अब ये क्या है? हेल्प मॉम पार्क द कार। वेल इसको कैसे करूं बे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। फ्रॉस्ट भाई अब तो आपके पास हिट भी नहीं, आप क्या करोगे फ्रॉस्ट भाई? अरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है गाइस। इसमें आप लोग देख सकते हो ये दोनों नूब लोगों ने गाड़ी को कहां लगा दिया है बे, लाइन से क्यों नहीं लगा सकते ये लोग, दूसरे के लाइन में लगा के चले गए गाइस। ये अब हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, बट डोंट वरी, कोई ना कोई तो उपाय होगा। सोचो फ्रॉस्टी, कैसा तुम अपना बिग ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाए। गाइस सच बोल रहा हूँ, हिंट है भी नहीं हमारे पास और अब और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। कम ऑन, वी कैन डू समथिंग। वेल ये गाड़ियां हिल तो रही है थोड़ी मोड़ी, लेकिन इनको पूरा कैसे कम्प्लीटली उठा के फेंक नहीं सकते क्या? फोटू भाई आप तो ऐड भी नहीं देख सकते हो भाई, अब क्या करोगे आप फोटू ब्रो? ऑलराइट गाइस, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद मेरे को पता चला है कि आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हो। अबे क्या नौटंकी है भाई, कितना दिमाग खराब हुआ है गाइस हमारा इसके वजह से। और अब देखो इसको आगे बढ़ा सकता था, अबे कौन बताएगा मेरे को ऐसी छोटी मोटी चीजें यार। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने मॉम की हेल्प कर दी है, अब हम लोग आ चुके हैं अपने वापस से मेन क्वेस्ट पे। और यहाँ पर अब हमारा मेन क्वेस्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन अ पेंटाग्राम। तो भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे, मेरे को करीबन 12 दिख रहे हैं, नहीं 11 दिख रहे हैं दोस्तों। एंड इसी के साथ गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट राउंड में, फाइंड समथिंग यू कैन ईट। तो मेरे को तो लगता है भाई दो चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा या तीन चीजों को, सबको हिला के देखते हैं गाइस, कोई भी चीज काम कर गई तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड लुक एट दैट, वाह भाई पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ बना सकते हैं अपन लोग। ओके पुट द जिराफ इनटू द फ्रिज। तो जिराफ को फ्रिज में कैसे डाले भाई, जिराफ कितना बड़ा है, फ्रिज कितना छोटा है। एक काम करते हैं फ्रिज को बड़ा कर देते हैं गाइस। ये लो भाई अब आ जाओगे तुम इजीली अंदर। भाई इसको कहते हैं 100 IQ। ओके लेट्स सी विच वन इज रॉ एग। तो भाई देखो कच्चा अंडा ढूंढना है, तो सबको फोड़ फोड़ के चेक करते हैं और देखो हमारे पास भाई विजेता वही बैठा हुआ था। अबे ये क्या है बे, फिल द राइट बॉक्सेस। अच्छा इसमें पैटर्न बनाना है गाइज। रुको भाई यहाँ पर 2-2 का ऐसा पैटर्न है, इसका मतलब है कि 3 का इधर 3 लाइन बॉक्स करना होगा, फिर 4 का वैसे। गाइज मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। ऑलराइट गाइज मेरे को हिंट लेने का जरूरत पड़ गया, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने भाई सॉल्व कर दिया। ये देखो भाई ये था करेक्ट आंसर, तो चलते हैं आगे। वैसे भी मेरे को बहुत ज्यादा बेशर्म फील हो रहा है भाई, इतना इजी क्वेश्चन के लिए हिंट का जरूरत पड़ गया गाइस बताओ, लेकिन चलो एटलीस्ट सॉल्यूशन तो मिल गया गाइस। ऑलराइट तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले लेवल पे, प्रैंक प्लान पे। तो लगता है इसमें हम लोगों को प्रैंक करना है। नो गुड टू गेट एडिक्टेड। ओके ये बंदा बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहा है, मतलब हम लोगों को गेम्स खेलना बंद करना ना, सिंपल तार खींच दो। एक ही बार में मान गया वो भाई, और गुस्सा लग रहा है। ऑलराइट तो अब हमें ना इसका बर्थडे केक रियून करना है गाइस। तो रियून कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली भाई इसका मुंह मार देते केक पे। फ्रॉस्ट भाई लेकिन आप इसका टकला नहीं मार सकते हो भाई इसके केक के ऊपर। अबे तो इसकी टोपी रख देते, अबे वो भी नहीं काम कर रहा है, केक ही गिरा दो भैंस की टेट। कैसा लगा दोस्त, कैसा लगा तुम्हें हमारा बदला? डोंट लेट हिम सी द ब्यूटी। अच्छा तो ये टीवी देख रहा है बहुत ज्यादा। चलो भाई कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, इसको टीवी देखने से हम लोगों को रोकना है। टीवी फोड़ दे क्या, इसका टकला फोड़ दे? अरे नहीं कुछ भी नहीं फूट रहा यार, क्या करे ऐसा गाइस। फ्रॉस्ट भाई हिंट का इस्तेमाल कर लो भाई, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे यार अब मैं क्या बोलूं गाइस, आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग गए हैं। चलो थोड़ा सा हिंट ले ही लेते हैं। ऑलराइट लेट्स गो, स्लाइड द टीवी लेफ्ट और राइट। अरे भाई
यार हमें चैनल बदल ले। अच्छा तो दूसरे चैनल पे, अरे दूसरा, ओ हॉरर है? तो अगर मैं हॉरर पे डाल के, नहीं ये क्या हो रहा है, अरे काम क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा अच्छा लाइट ऑफ करना भूल गया, ये लो भाई आप डर लगा ना तेरे को छोटे। ऑलराइट सो गाइस हम लोग यहाँ पर एक और क्वेस्ट पे आ चुके हैं। और अरे अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया मैंने? छोटे भाई आपको इन मैडम जी को बचाना है भाई किडनैपर लोग से। अच्छा तो ऐसा है क्या? ऑलराइट तो अगर मैं इन मैडम जी पे सीट बेल्ट लगा दूं और उसके बाद अब अगर अपन लोग एक्सीलरेटर दबाए तो चौप। छोटे भाई अब तो ये दोनों गिर जाएंगे भाई, लेकिन मैडम जी बच जाएगी। अरे भाई ये हुआ ना हाई आईक्यू ब्रेन, इसीलिए तो तू प्रो है भाई। ऑलराइट हेल्प हिम लूज वेट। अरे भाई ये सबसे खराब बात यार, इन लोगों से अब मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं इसको चेज कराते हैं गाइस। ये देखो गाइस कैसे भाग रहा है ये बर्गर के पीछे। अबे भाई रुक जा, अरे कितनी तेजी से पतला हो गया यार। सो गाइस देखा एक और बार हम लोगों ने लोगों की भलाई कर दी यहाँ पर। चलो ऑलराइट गाइस तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एक काम करते हैं ना यही पर टिपर टापर करके यार वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे फ्रॉस्टी।